दर्शक मित्रों नमस्कार, आप पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इसलिए मैं आज आपको यह वीडियो हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में पेश करने जा रहा हूं। आज मैं आपको पूना की फर्ग्यूसन कॉलेज और महाराजा भगवत सिंह जी के बारे में बात करने जा रहा हूं। काठियावाड़ में 222 रियासत रही थी, उसमें 30 रियासत सलामी रियासत थी, उसमें गोंडल रियासत एक बड़े नमूनेदार रियासत रहा था। उसके महाराजा भगवत सिंह जी बड़े बुद्धिशाली और परदेश में पढ़े लिखे ज्यादा कूटनीतिज्ञ और दूरंदेशी शासक रहे थे। उसने अपनी प्रजा के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था और कायदे कानून बना रखे थे। आज भी राजा सही चली जाने के बाद 73 साल से लोग उसको हर दिन गोंडल की परिस्थिति, हमारे सरकार और अधिकारियों की कामगिरी देखकर हर पल याद कर रहे हैं। गोंडल के महाराजा भगवत सिंह जी पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने शिक्षा के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। उसका राज्य में 1919 में लड़कियों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। किसी भी इंसान अपनी लड़की को पढ़ाता नहीं तो उसको दंड दिया जाता था। जो लड़की मैट्रिक पास कर लेती उसको राज्यसभा में बुलाकर उसको 500 रुपये का इनाम देकर बहुमान किया जाता था। उस वक्त अभी मैसूर और बड़ौदा रियासत में भी लड़की की शिक्षा का अनिवार्य कानून नहीं बना था। तब भगवत सिंह जी ने ये बड़ा ऐतिहासिक कानून बनाकर सबको अचंभे में रख दिया। गोंडल रियासत में हर कोई शिक्षकों को ट्यूशन करने की कड़ी पाबंदी लगा दी। गोंडल के हर गांव में पहले पुरानी जर्जरी पाठशाला रही थी, वह सब पाठशाला को गिराकर नए ढब की हर गांव में एक ही तरह के नक्शे वाली पाठशालाएं बनाई गई थी। महाराजा भगवत सिंह जी ने भगवत गोमंडल नामक एक बहुत बड़ा नव भाग का गुजराती भाषा का महान शब्दकोश का निर्माण किया था। भगवत सिंह जी इतने नीतिमान राजवी रहे थे, उसके जो युवराज और राजकुमार रहे थे, और वो खुद भी कुछ वार्षिक सालाना जो निश्चित की गई रकम थी वही लेते थे। उसकी रकम से उसका जीवन निर्वाह करते थे। राज्य का एक भी पैसा कभी बिगाड़ते नहीं थे। राज्य में जो कोई मेहमान आते थे, अधिकारी आते थे, उसको बुलाया हो तो उतना ही वक्त उसको राज्य में ठहरने को दिया जाता था। वह आदमी ज्यादा दिन रुकता तो उसको जाने के वक्त बिल दिया जाता था। हमारे कविवर रविंद्रनाथ टैगोर गोंडल में महाराजा भगवत सिंह जी का मेहमान बने थे, लेकिन 3 दिन से ज्यादा वह रुके तब रविंद्रनाथ टैगोर को भी यह बिल दिया गया था, और बाद में वह खुद शांति निकेतन जाकर बहुत बड़ा चंदा देकर रविंद्रनाथ टैगोर का मान बढ़ाया था। ऐसे वे कानून में मानते थे। अपने राजकुमार और राजकुमारियों को भी कड़ी निगरानी में रखते थे और जिंदगी जीना सिखा रहे थे। राजवंशी भी कोई भी कानून कभी भी तोड़ नहीं सकता था। जब पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज आगे बढ़ाने की कामगिरी शुरू हुई थी, तब पूना वाले लोग काठियावाड़ में चंदा इकट्ठा करने के लिए आए थे। तब सभी रियासत ने अपनी स्थिति के मुताबिक चंदा दिया था। उसको ऐसा लगता था महाराजा भगवत सिंह जी तो किसी को एक भी पैसा गलत नहीं देते, इसलिए सब लोग ने भेजे कि आप लोग गोंडल महाराजा भगवत सिंह जी के पास जाओ, वहां आपको बहुत बड़ा चंदा मिलेगा। यह सब लोग गोंडल आए और महाराजा भगवत सिंह जी को चंदा देने के लिए कहा कि हम बड़ी बैनमून कॉलेज बना रहे हैं। भगवत सिंह जी ने सोच कर बताया कि मैं आपको जरूर
इस कॉलेज में चंदा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, जो आपको मंजूर है तो मैं यह कॉलेज में चंदा दूंगा। बोले, आपकी शर्त क्या है? महाराजा भगवत सिंह जी ने बताया कि यावत चंद्र दिवा करो, मेरे गोंडल रियासत के 10 लड़के मुफ्त में पढ़ने चाहिए। अब आए हुए सबने यह प्रस्ताव को मंजूर कर दिया और एक कागज पर यह बात सब लिखी गई और दस्तखत किए गए। आज भी राज गए, रजवाड़े गए, लेकिन महाराजा भगवत सिंह जी का यह करार मौजूद है। आज भी हर मई मास में गोंडल का मामलतदार अखबारों में विज्ञापन देता है कि जो गोंडल राज्य का विद्यार्थी है वो पूना की फर्गुसन कॉलेज में पढ़ने जाना चाहता हो तो उसकी अर्जी कर सकते हैं। हमारी 10 सीट आज भी पूना की फर्ग्यूसन कॉलेज में अनामत रखी गई है। महाराजा भगवत सिंह जी ने पुणे की ये फर्ग्यूसन कॉलेज में उस वक्त 22,500 की रकम चंदा में दी थी, लेकिन यह रकम का लाभ आज भी गोंडल रियासत की जनता के लोग ले रहे हैं। महाराजा भगवत सिंह जी ने पुणे की फर्ग्यूसन कॉलेज में रुपया 22,500 की रकम उस वक्त दान में चंदा में दी थी, लेकिन यह रकम का लाभ आज भी गोंडल रियासत की जनता और लोग ले रहे हैं। भगवत सिंह जी बड़ा मुत्सद्दीवान और आगे का सोचने वाला राजवी था, जिसने जो काम किया वह आज भी उसका फायदा गोंडल रियासत के लोगों को मिल रहा है। अब मैं आपको पुणे की फर्ग्यूसन कॉलेज का परिचय करवाने जा रहा हूं। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना डेकन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 1885 में की गई थी। आज और तब भी यह कॉलेज हिंदुस्तान में ए ग्रेड वाली गिनाई जाती है। यह कॉलेज के पास 8 एकड़ में फैली हुई सब इमारतें हैं। इसमें लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, हॉस्पिटल, कैंटीन, मेडिकल फैसिलिटी, पार्किंग, स्पोर्ट्स ग्राउंड, प्लेसमेंट सेल, यह सब सुविधा है। यह कॉलेज का लोगो है नॉलेज इज पावर। फर्ग्यूसन कॉलेज का उद्घाटन एल्फिंस्टन कॉलेज का आचार्य विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया था। यह कॉलेज का नाम मुंबई का गवर्नर जेम्स फर्ग्यूसन के नाम से दिया गया था। उस वक्त जेम्स फर्ग्यूसन ने रुपया 1200 यह कॉलेज का चंदा में दिया था। यह कॉलेज का प्रथम प्रिंसिपल प्रोफेसर वामन शिवराम आपटे रहे थे। जब 1935 में यह कॉलेज ने 50 साल पूर्ण किए तब भारत के एकमात्र उस वक्त के नोबेल विजेता सर सीवी रामन स्वर्ण जयंती के प्रसंग में प्रमुख मेहमान बनकर आए थे। भारत की यह विख्यात कॉलेज में बहुत सारे जाने माने पहचाने व्यक्ति विद्यार्थी रहे हैं। हमारे दो बड़ा प्रधान पीवी नरसिम्हा राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह यह कॉलेज के विद्यार्थी रहे थे। विनायक दामोदर सावरकर जी, काका साहेब कालेकर, आरपी परांजपे, डीडी कौसाम्बी, अभिनेत्री स्मिता पाटिल, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, अभिनेत्री राधिका आपटे, इरावती कर्वे और गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई पटेल यह सब यह कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं। यह कॉलेज की यह विशेषता रही है कि यह स्वायत्त कॉलेज है। इस कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, म्यूजिक, फिलोसॉफी, जियोग्राफी यह सब विषय पढ़ाए जाते हैं और अनुस्नातक में पुरातत्व और इतिहास में यह कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान पूरे हिंदुस्तान में रहा है। ऐसे ही जग विख्यात कॉलेज में गोंडल रियासत के 10 विद्यार्थी हर साल को फ्री में मुफ्त में एडमिशन मिलता है। यह बहुत बड़ी ताजुब और महाराजा भगवत सिंह जी की विचक्षण दृष्टि का प्रमाण है। महाराजा भगवत सिंह जी
सब पाठशाला जो उसने बनाई थी उसमें सभी पाठशालाएं इतनी विशाल थी और उसके बारी दरवाजे इतने बड़े बनवाए गए थे कि वह भगवसी जी मानते थे कि बड़ी विशाल जगह से मानवी का मन भी विशाल बन जाता है और छोटी जगह में रहने वाला आदमी का मन भी छोटा हो जाता है। भगवत सिंह जी ने अपनी रियासत में गांडल में गिरासिया कॉलेज की स्थापना की थी और उसने अपनी रियासत में 1903 में बालाश्रम की स्थापना की थी। भगवत सिंह जी ने अपनी रियासत में इतना बड़ा अच्छी बात से कार्य किया, आज भी गांडल के लोग उसको हर पल याद करते रहे और पूना की फर्ग्यूसन कॉलेज में महाराजा भगवत सिंह जी का इतना बड़ा योगदान रहा था उसका लाभ आज भी गोंडल रियासत के लोग के विद्यार्थी ले रहे। नमस्कार।